हेलो दोस्तों, क्या आप लोग, अगर आप लोग से मैं एक चीज़ पूछूं ट्रांसपीरेंट के बारे में, जो ट्रांसपीरेंट गैजेट होता है तो सबसे पहले नाम आएगा नथिंग का, क्योंकि स्मार्टफोन ईयरबड जो भी चीज़ें होता है बेसिकली नथिंग ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें बना रहा है। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए बेसिकली है तो नथिंग का प्रोटोटाइप, लेकिन एक कदम नथिंग से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि जो जो नथिंग्स ने दिखाना छोड़ दिया था अपनी ईयरबड्स स्मार्टफोन में वो सारी चीज़ें इस ब्रांड ने इस प्रोडक्ट के साथ दिखा दिया। तो ये है दोस्तों मेरे पास काफ़ी पावरफुल गेमिंग TWS ईयरबड, जिसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करने वाला हूँ, प्राइसिंग और फीचर्स वगैरह बताऊंगा। फिलहाल मैंने तो इसको परचेज वगैरह कर लिया, आगे मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह करके आपको बताऊंगा क्या आपको इसके ऊपर पैसे बर्बाद वगैरह करने चाहिए कि नहीं। चले फिर दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल वॉच वगैरह कीजिएगा, सारी डिटेल्स वगैरह इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो फटाफट अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसे अवेलेबल कर दीजिए ताकि ऐसे डिटेल वीडियो आती रहती है जो आपके डेली लाइफ में यूजफुल हो सकता है, उसे अपने फोन पे सबसे पहले फटाफट देख पाए। ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट TWS ईयरबड की बॉक्स पैकिंग, जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की गई, यहाँ पे आपको टूनफी की ब्रांडिंग वगैरह किया गया, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर है जिसका ब्रांडिंग किया गया, और पूरा को पूरा सिंपल ब्लैक है जहाँ पे आपको अगेन ब्रांडिंग की गई है, तो ये चीज़ें मेंशन वगैरह किया गया। बैक साइड में कुछ डिटेल है लेकिन इसमें खास डिटेल्स वगैरह है नहीं, तो नॉर्मल सी मतलब बॉक्स पैकिंग काफ़ी कुछ ज़्यादा ब्लैक में, इसलिए पूरा का पूरा ब्लैक है, यहाँ पे आपको डिटेल फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया। तो बॉक्स पैकिंग तो देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही लग रही है, तो इसको थोड़ा ओपन वगैरह करते हो बॉक्स पैकिंग, क्योंकि बॉक्स पैकिंग ओपन करने के बाद बताने के लिए बहुत कुछ है। तो लीड हटा चुका हूँ, यहाँ पर हमारा सबसे पहले ईयरबड है जिसके लिए पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो इसको साइड में रखते हैं और इसको साइड में रखते दोस्तों एक और सेक्शन है जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें रखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले टाइप सी टू टाइप सी केबल है बेसिकली, और ईयर प्लग कैप से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ए है बेसिकली, दोस्तों ये आपको केस मिल जाएगा, इसके साथ इसका केस भी आता है, उसके बाद इसका हुक भी आता है। तो इन सबको पूरा सेटअप वगैरह करते हैं। ए दोस्तों हमारा ट्रांसपेरेंट गेमिंग TWS ईयरबड, जिसकी सबसे पहले कलर बिल्कुल की बात करूँ तो कलर की बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, अंदर की साइड में पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक कलर और आता है, लिंक वगैरह दे दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। जिसमें बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी है तो दोस्तों प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है, ये नहीं है कि देखने में अजीब से वगैरह, काफ़ी आपको क्लियर वगैरह मिलने वाला है। जहाँ पे आपको मैग्नेटिक देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक ऑप्शन दिया गया तो मैग्नेट हो जाता है। डिजाइन जो बेसिकली नथिंग्स का ईयरबड होता है वैसा भी रखा गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा काफ़ी आपको ग्रिपिंग के लिए दिया गया, तो काफ़ी बॉक्सी डिजाइन है, फ्लैट है और काफ़ी बॉक्सी डिजाइन है, तो डिजाइन के मामले में तो आपको कोई मतलब बीटेबल नहीं है, डिजाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप सी बोर्ड वगैरह देगा तो इसको इससे चार्ज वगैरह कर सकते हैं, और इसको लीड को हटाऊँ दोस्तों तो अगेन यहाँ पे आपको टूनफी की ब्रांडिंग की गई, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट देगा, जैसे इसको चार्ज में लाएंगे ब्लिंक करेगा, रेड ब्लिंक करता है, तो इसको निकालते हैं, ईयरबड को बाहर रख करते हैं दोस्तों। तो ईयरबड की कलर बिल्कुल की बात करो तो ईयरबड का दोस्तों उतना कुछ खास कलर मुझे नहीं लगा, इसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी लग रही है। इसके यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये वाला कलर की सेक्शन की बात करो तो ब्लैक है, लेकिन इसकी फिनिशिंग मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, नॉर्मल सी फिनिशिंग है। जहाँ पे इधर की बात करो दोस्तों ट्रांसपेरेंट होता क्या, ट्रांसपेरेंट में इन्होंने क्या क्या, यहाँ पे आपको जैसे बताऊँ टूनफी की ब्रांड नहीं की, यहाँ पे आपको माइक ही देगा दोस्तों, एक माइक के है और एक माइक के है, यहाँ पे दो दो माइक दोनों में दिया गया। तो इसमें दोस्तों जैसे बताऊँ ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा था, जैसे बिजली अंदर होता है ना वैसे छोड़ देगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई नहीं किया गया बिजली ट्रांसपेरेंट पावर बैग, मैंने अनबॉक्सिंग मेरा किया था देखा होगा उसमें फोटोनिस का, उसमें मॉडिफाई किया गया था, तो ट्रांसपेरेंट देखने में भी अच्छा लग रहा था, इसमें काफ़ी गजब सा लग रहा है, काफ़ी मतलब अजीब सा लग रहा है, तो उतना देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही नहीं लग रही है। अगर थोड़ा इसको मॉडिफाई करके चीज़ें सही से अंदर बनाया जाता तो ट्रांसपेरेंट देखने में दूर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही लगती है और काफ़ी अच्छा लगता, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा, थोड़ा सा अच्छा होता तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सही होती। ये जो वीडियो का पार्ट होने वाला दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाला हूँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करूँ फीचर्स वगैरह तो सब कुछ बता दिया, मेन डिटेलिंग की बात करूँ तो परफॉर्मेंस की बात करूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी बैटरी लाइफ वगैरह तो ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है, कनेक्ट वगैरह कर लेंगे तो गाने वगैरह सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होने वाला। इसमें दोस्तों कॉलिंग वगैरह की बात करूँ तो डुअल माइक तो दिया
गया है लेकिन वर्किंग नहीं करता, मतलब ENC कॉलिंग मेरा नहीं है, खाली डुअल माइक का यहाँ पे आपको ऑप्शन वगैरह दिखता है, वो भी माइक है या नहीं पता नहीं चलता, एक माइक तो क्लियर पता चल जाता है लेकिन दूसरे माइक का कुछ पता नहीं, तो कॉलिंग के मामले में आपका कुछ नॉर्मल सी फीलिंग वगैरह हो गई, कॉलिंग अच्छे से नहीं ले पाएंगे। गाने वगैरह सुनना चाहेंगे तो हाँ, गाने की बात करूँ तो गाने ठीक ठाक मिलता, साउंड क्वालिटी फटती नहीं है, तो मेरे हिसाब से गाने अच्छे से सुन पाएंगे, काफ़ी अच्छे कम्फर्टेबल होने वाला है। इसके लिए देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, लगा लेंगे कान में तो काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टर्म तक गाने सुनेंगे, और ये भी है पेन वगैरह नहीं होने वाला, 2-3 घंटे में लगा कर रखेंगे तो पेन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं, गिरे वगैरह नहीं, तो ये भी काफ़ी चीज़ें सही है, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली। अब दोस्तों एक चीज़, अगला जो स्टेप होने वाला है गेमिंग, क्योंकि बेसिकली इसमें मेंशन ही किया गया है वायरलेस गेमिंग ईयरबड बेसिकली हेडफोन की ब्रांडिंग की गई, तो गेमिंग में दोस्तों मुझे इसमें गेमिंग मोड तो मिल जाता है, लेकिन लेकिन दोस्तों ना लो लेटेंसी है ना कुछ चीज़ें, साउंड की जो भी राइट लेफ्ट होता है वो भी काफ़ी डिले आता है, मतलब अच्छे से नहीं आता है, तो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी रेकमेंड वगैरह नहीं करूँगा, सिर्फ गाने वगैरह में थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी वगैरह मिल जाएगी, और इसके अलावा दोस्तों मुझे इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखा, डिजाइन ही है जो इसका इसके लिए नथिंग्स कराता है, डिजाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कॉपी इन्होंने की है इसके लिए नथिंग्स का कॉपी ईयरबड से, लेकिन कॉपी भी इतने अच्छे से नहीं किया कि देखने में कोई बाहर से अगर लगा के घूम रहे हो तो कह दे कि थिंग्स का ईयरबड देखने में लग जाएगा, कोई आपने 200-400-500 रुपये वाला 1000 रुपये वाला ईयरबड्स यूज वगैरह कर रहे हो, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा दूर से, तो नथिंग्स का क्लोन भी देखने में नहीं नज़र आ रहा, तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों अगर आप क्लोन के लिए परचेज भी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कुछ खास चीज़ है नहीं, तो मैं इस ईयरबड को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फीचर्स के लिए तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिजाइन वगैरह काफ़ी यूनिक है, अगर ऐसे ईयरबड चाहिए तो ऐसे ईयरबड इस प्राइस में काफ़ी कम अवेलेबल है, 1-2 मैंने रिव्यू वगैरह किए हैं जो थोड़े बहुत ट्रांसपीरियड उतना ट्रांसपीरियड नहीं, तो उसका लिंक वगैरह दे दूंगा, लेकिन आपको पूरा ही ट्रांसपीरियड चाहिए 1000 रुपये के आसपास चाहिए, 1200 रुपये के इस पे आसपास प्राइजिंग है, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं जैसे बताऊं आप यहां पे आपको फीचर्स एंड परफॉर्मेंस बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट मत करना, जो चीज़ मिलेगा आपको नॉर्मली चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, जो 700-800 रुपये वाले ईयरबड में काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, उससे भी ज़्यादातर मुझे लग रहा है बेकार ही देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक गाने की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है, तो उसके लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स आपको बता पाऊँ, अगर डिटेल्स पर सारी आपको समझा पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उसके बगल में बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर देना, ताकि ऐसे ही डेली लाइफ में यू डिटेल वीडियो आते रहते हैं, जिसमें आपको मैं रिकमेंड करता हूँ किस चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किस चीज़ पर नहीं करना चाहिए, मैं तो परचेज करके पैसे बर्बाद कर चुका हूँ, आपको नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए बताता हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।